أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم students, previous lecture میں ہم نے loudness, factors of loudness, pitch اور quality کو discuss کیا. آج ہم discuss کریں گے intensity of sound. تو student بہت important topic ہے. سب سے پہلے ہم intensity of sound کی definition का फार्मूला यूनिट डिस्कस करते हैं. इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है कि साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो स्टूडेंट यहां पे देखिए और से साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड साउंड एनर्जी को हम अब सबसे पहले इंटेंसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. साउंड एनर्जी को ई से पासिंग पर सेकंड टाइम से स्मॉल अल्फाबेट टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को हेड परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया हेड परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय एरिया आ जाएगा. एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह इसका फार्मूला क्या बन जाता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम इनटू एरिया. अब स्टूडेंट यहां से इसके यूनिट ड्राइव करना इजी हो जाता है. एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल. टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड. ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर सेकंड. एरिया स्केल मीटर होता है. ऊपर जाके क्या हो जाएगा पर स्केल. अब स्टूडेंट यहां पे देखिए जूल पर सेकंड जो है वो वाट में होता है और इस तरह इंटेंसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा वाट पर स्केल. तो स्टूडेंट ये एमसीक्यू में अक्सर आ जाता है. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑप्शन दी होती है तो इस वाट पर स्केल मीटर इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा. वाट नाइन्थ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 वाट जो है वो किसके इक्वल होता है लेकिन ये लिसनर्स की एयर सेंसिटिव पे डिपेंड नहीं है. कुछ लोग कम सुनाई देते हैं ठीक है नॉर्मल लोग होते हैं मतलब यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी पे कोई इसकी इसकी डिपेंडेंसी नहीं. इसी तरह नेक्स्ट जो है ये तो था इंटेंसिटी ऑफ साउंड इसकी डेफिनेशन यूनिट फार्मूला और यूनिट. अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि इंटेंसिटी लेवल क्या है ठीक है. इंटेंसिटी लेवल के लिए रिलेशन हम कैसे फाइंड करते हैं लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटेंसिटी लेवल को जो है वो डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पे देखें टू टाइप की साउंड की गई है. एक हमारे पास अनकाउंट साउंड लाउडनेस है जिसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया गया है. दूसरी फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है जिसको एल नॉट से रिप्रेजेंट किया गया है. द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ एन अनकाउंट साउंड एंड द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल. अब यहाँ पे देखें इसका फार्मूला हमारे पास जो है एन पे यहाँ पे शो हो रहा है एन माइनस एल नॉट. ये जो है किस चीज को शो कर रहा है साउंड लेवल. साउंड लेवल इंटेंसिटी लेवल द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड लाउडनेस एल नॉट ऑफ फेंटेस्ट साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड. बहुत ही आसान है जरा थोड़ा सा समझ के कीजिएगा. इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल. इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है बेल होता है. बेल जो है वो लार्ज यूनिट है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से है ठीक है. इसलिए 1 बेल जो है 10 डेसिबल. जैसे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं इसी तरह 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है. याद रखिएगा यहाँ पे डेसी का डी जो है वो स्मॉल अल्फाबेट यूज करेंगे. बेल का बी जो है वो कैपिटल क्योंकि ये नेम से है. लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी. लाउडनेस जो होती है इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती बल्कि इंटेंसिटी के लॉगरिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. दैट मीन लाउडनेस एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी. ये अननोन लाउड साउंड के लिए है. इस तरह फेंट साउंड लाउड साउंड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी नॉट. अब देखिए जब बोथ इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एल माइनस एल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी माइनस लॉग ऑफ इंटेंसिटी नॉट आ जाएगा. स्टूडेंट यहाँ पे लॉगरिथम का सेकेंड लॉ जो है
किया गया है कि जब टू वैल्यूज सबट्रैक्ट हो रही हैं, उनके ऊपर लॉग अप्लाई किया हो तो हम उनको डिवाइडर डिवीजन फॉर्म में मर्ज करके राइट कर सकते हैं। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, यहाँ पे के से डिफरेंट किया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें इसका जो वैल्यू, अब यहाँ पे देखें जो इंडस्ट्री है, अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे ये 10 इंडस्ट्री नॉट के इक्वल है और वन बेल जो है 10 डेसिबल के इक्वल होता है और इस तरह के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। के वैल्यू जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बेल की को हमने रिप्लेस कर दिया डेसिबल में, इसका 10 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा लॉग ऑफ इंडस्ट्री ओवर इंडस्ट्री नॉट। ये एल माइनस एल नॉट स्टार्ट में मैंने बताया ये क्या चीज है, ये साउंड लेवल है, इंडस्ट्री लेवल है साउंड। तो स्टूडेंट यही था फाइनल रिजल्ट जो रिलेशन हमने फाइंड करना था, इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी भी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन आती है आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन उसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।